मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के नवगठित पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत स्वर मेघ कार्यक्रम में सहभागिता कर विचार साझा किया और पुलिस बैंड टीम को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बैंड की धुनों के माध्यम से देशभक्ति और मनोरंजक गीतों की प्रस्तुति में संगीत के प्रति समर्पण और अनुशासन प्रशंसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि बजट में इस साल पुलिस के लिए 10,553 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि में आधी राशि पत्नी को और आधी शहीद जवान के माता पिता को दी जाएगी। इस बार बजट में भी पुलिस के लिए 10,553 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के लिए लगभग 25,000 आवास निर्माण किए जाएं, जिसमें 12,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। भोपाल में अकेले 144 आवासों का शिलान्यास किया गया है। भोपाल में 50 स्तरीय पुलिस अस्पताल की भी स्थापना की गई है, जिसका बहुत जल्दी यहाँ होम सेक्रेटरी बैठे हैं। इनको पुलिस हॉस्पिटल देने में आप लोगों को कोई कष्ट तो है नहीं। बहुत जल्दी पुलिस हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से डेपुटेशन पर ला करके इस अस्पताल का प्रारंभ करेंगे। हमने तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कष्ट घर में हमने देखा है, तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। जो 1 करोड़ की राशि देने वाले हैं, इसका प्रबंध करके उस परिवार परंपरा को हमने अब इसमें सीमाओं में बांधने का प्रयास किया है।